नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय राय और आप देख रहे हैं टैक्स कॉलर। आज हम बात करेंगे, अगर जीएसटी में किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना हो तो उस संबंध में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा अपने पास। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो भी प्रोप्राइटर होगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना है, उसका एक फ़ोटो जो सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी, नंबर 4 मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नंबर 5 जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगा वो, उसका बिजली का बिल और रेंट एग्रीमेंट। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस खुद का है तो बिजली के बिल से काम चल जाएगा। इसके अलावा फर्म का नाम क्या रखेगा और प्रोडक्ट का डिटेल, ये चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं जीएसटी में। आप ये 7 डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेते हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको gst.gov.in पे जाना होगा और वहाँ से सर्विस टैब में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं बताते चलूँ कि प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन जीएसटी का करना है तो आपको सब डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोप्राइटर के ही देने पड़ेंगे, और ट्रेड नेम आप अपना जो भी है वो रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आपका पैन कार्ड है उसी नाम से जीएसटी मिलेगा, नहीं, आप अपना ट्रेड नेम, बिजनेस नेम अलग से दे सकते हैं, उस नाम से मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप टैक्स कॉलर पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।